बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काजमी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। नाज़रीन, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कल मैच हुआ और उससे पहले एक बात याद रखिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला चाहे जो मर्जी कर ले सेमीफाइनल में दाखिल नहीं हो सकता। अब ये मैच जो था आपको पता है कल खेला गया रात को, तो इसमें जो टीम खेल रही थी अफगानिस्तान की, आपको बड़ी अच्छी तरह जहन में रखना होगा कि ये माजी की जो हुकूमत वाली टीम है ये वो टीम है, ये मौजूदा हुकूमत तालिबान हुकूमत वाली टीम नहीं है। इसलिए बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के खिलाफ इनका जोश, वलवला, तंतना, ताकत, हिम्मत सब कुछ नजर आ रहा था। मैच हारने के बाद इनके खिलाड़ी रिटायरमेंट का सोच रहे थे। इन्हें इतना दुख था कि यार हमें पाकिस्तान ने हरा दिया, तो यार यहां से तो तुम लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं इनके मुंह से हो रही थी। लेकिन कल जब हिंदुस्तान के साथ मैच खेल रहे थे, अब सारी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान का जो रन रेट है उसे ऊपर लाना है और बहुत से अगर हैं, मगर हैं, लेकिन हैं वगैरह वगैरह हैं। टॉस होने से पहले ऑडियोग्राफ सुने तो वाज़े तौर पर कोहली जो है वो मोहम्मद नबी से पहले बोलने से, उसके माइक में बोलने से पहले कह रहे हैं कि टॉस जीतने के बाद हम बॉलिंग करेंगे। मतलब वो डिक्टेट कर रहा है। अफगानिस्तान की टीम को पहले बैटिंग करना थी। सारी दुनिया जानती है वो किस तरह पहले बैटिंग करते हैं, रन्स करते हैं। अचानक उन्होंने बॉलिंग का और फील्डिंग का फैसला कर लिया और फिर बॉलिंग में देखे क्या हुआ, सबसे अपना बड़ा बॉलर खिलाया नहीं। फिर राशिद खान जो इनका की बॉलर था, उसकी बॉलिंग जरा देखें कैसे इस बॉल कर रहा था। 9 रन्स पर ओवर उसने देने थे और दिलवा दिए। बाकी लड़कों की बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, लगता ही नहीं था ये मैच जीतने के लिए खेले हैं। मोहम्मद नबी आला किस्म का स्पिनर, बेहतरीन पाकिस्तान खिलाफ की बॉलिंग देखें, पहले देखें, 1 ओवर करता है 7 रन देता है इंटैक्ट बॉलिंग, उसके बाद 3 ओवर करवाते ही नहीं। नवीन उल हक, उसको भाई इतनी ज्यादा मार पड़ रही है, फेंटी पड़ रही है, उसको पूरे 4 ओवर करवा दिए। ये साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है। बैटिंग आई उसमें भी नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान का स्ट्राइक रेट इन्हें बढ़ाना है तो इसके लिए इन्हें अच्छा रन रेट आपको पता है देना है। तो जो अफगानिस्तान ने तो पहले उन्हें मुहैया तो पहले ही कर दिया पूरा एक प्लेटफॉर्म। अब देखिए इनकी गेम क्या है कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं अफगानिस्तान के शायद इस टूर्नामेंट के बाद वापस ही ना जाएं, वो निकल जाएंगे यहाँ से दुनिया के दीगर ममालिक में। और हिंदुस्तान की तो ज़ाहिर है पूरी कोशिश है इन खिलाड़ियों को अगले IPL में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन वो एक मुहावरा तो आपने सुन लिया होगा पहले भी, हनूस दिल्ली दूरस्थ, तो अभी तो उनके बहुत सारे इम्तहान बाकी हैं। 5वें फ्लोर की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना मशहूर है। अभी तो स्कॉटलैंड भी पड़ी है और हिंदुस्तान 5वें नंबर से आगे ना बढ़ सके। इनके एंकर ने कहा था कि 5वें फ्लोर पर आइए सही बैठी हुई सरीना होटल अफगानिस्तान में साजिश करिए, जबकि 5वां फ्लोर था ही नहीं। लेकिन आप देखें खुद ये कोहली नंबर 5 पे चला गया है, टीम इनकी क्या हाल है। और पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने और हिंदुस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने कल मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर कैसी बात की, ऐसी गुफ्तगू की कि क्या ये मैच वाकई बड़ा मैच है या इसके अंदर कोई गेम हो रही है। देखिए ये आपकी असेसमेंट है। अब सारे लोग आप जानते हैं, सबको पता है क्रिकेट का, अब आजकल इतनी क्रिकेट हो चुकी है सबको पता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है। किसी बच्चे से भी आप पूछ लें वो भी आपको बता देगा कि ड्यू फैक्टर जो है वो इस दफ़ा प्ले हुआ ही नहीं इतना ज़्यादा। तो यहाँ पर अफगानिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए जिस तरह वो लगातार एक सीक्वेंस में करते आए, एक बड़ा टोटल रखते हिंदुस्तान के सामने, फिर बॉलिंग करते अपनी प्रेशर टैक्ट, क्योंकि हिंदुस्तान को चेस करना था। लेकिन उन्होंने सारा पका पकाया प्लेट में डाल के दिया। लेकिन वो बात वही है ना, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जो मर्जी कर लें सेमीफाइनल में दाखिल नहीं हो सकते। तो होगा यही। अब देखिए कि यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मोहसिन दावड़, उनके बारे में उन्होंने पिछले मैच में अफगानिस्तान की बड़ी तारीफ की कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खेला तो उन्होंने कहा जी वेल प्लेड अफगानिस्तान, हम सारे कह रहे हैं वेल प्लेड। लेकिन मोहसिन दावड़ टैक्स पेयर के पैसों पर एक पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का नहीं या अफगानिस्तान का नहीं, पाकिस्तान का। इसका काम है पहले आप जहां को, जिस जगह को, जिस हलके को, जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप उनकी तर्जमानी करें, उसके बाद आप जाकर बेशक अफगानिस्तान की तर्जमानी करें, उनको कहें अच्छा खेलें आप क्रिकेटर होने के नाते या क्रिकेट शायकीन होने के नाते।
लेकिन वो जिस तरह वेल प्लेड अफगानिस्तान से लगा रहा है, वो साफ बताने की बात है वो किसे कह रहे हैं। अच्छा, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफ़ी ने मोहम्मद नबी से सवाल पूछा था कि अगर आप इस चीज़ों जिस तरह खेले हैं, हार गए हैं, अब आप वापस जाएंगे तो आपको क्या ख्याल है कि तालिबान की हुकूमत आपको कुछ कहेगी, आपके साथ कोई सवाल जवाब नहीं होंगे? तो मोहम्मद नबी उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चला गया। लेकिन यकीन करें, अब ज़रूर होंगे। उन्होंने काम ऐसा किया, आप देखें जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनके हालात है। अब इस वक्त अफगानिस्तान की टीम में बहुत से लोग जो हैं, बहुत से प्लेयर्स, ये पॉलिटिकल असाइलम्स लेने के लिए दुनिया के दीगर ममालिक में ज़रूर दरख्वास्त डालेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके केसेस अब बड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। इनके लिए एक तीर में दो शिकार थे। अगर ये मैच जीत जाते हैं, सॉरी हार जाते हैं, तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान की मदद करता है, उन्हें IPL के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं और वहाँ से इनके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं। माजी में भी जो हिंदुस्तान की सारी इन्वेस्टमेंट थी इनकी क्रिकेट में भी, इनके डैम्स में से लेकर वहाँ के पार्लियामेंट बनाने तक, वो सारा एक इनका इंडेप्टेड थे, उनके कर्जदार थे, तो वो भी बात पूरी हो जाती, लोगों में अच्छा गुड रिलेशन भी बन जाता। और सबसे जो अहम बात थी कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पर इन पर ये इल्ज़ाम भी लग जाता जो लग गया, कि ये मैच फिक्स था। अब अगर ये मैच फिक्स था और तालिबान बदनवानी और करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, तो क्या फिर इस पर सवालात नहीं होंगे? इसीलिए अब इनका केस बड़ा स्ट्रांग है, जिससे ये पॉलिटिकल असाइलम दुनिया के ममालिक में डाल सकते हैं और सारी स्टोरी बता सकते हैं। इनका केस बड़े आराम से मंजूर हो जाएगा, इनको किसी भी दुनिया के मुल्क में नेशनैलिटी मिल सकती है, वहाँ से अपना क्रिकेट करियर भी खेल सकते हैं। अफगानिस्तान तो खेल चुके हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तो अच्छा रेज्यूमे बन सकता है। तो हो सकता है कुछ प्लेयर्स अब आपको नजर आए ये करते हुए भी। इसके अलावा आप देखें, अभी अफगानिस्तान के हालात में दो बड़ी अहम चीज़ें रिसेंटली हुई हैं। दाइश ने जोर पकड़ लिया बहुत ज़्यादा। एक वीडियो में आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने तालिबान के एक अहम लीडर को, ये वीडियो मेरे साथ चल रही होगी, दिन दिहाड़े जिस तरह गोलियां मारी उन्होंने, किस तरह गाड़ी रोक के बाकायदा टारगेट करके, फिर उसके बाद इन्होंने जो दो तीन कंदोज में भी और उसके बाद दूसरा भी, अब दाइश आहिस्ता आहिस्ता अपने हमलों में तेज़ी लाती जा रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी लाती जा रही है। और अब इस वक्त तालिबान को इन्हें रोकना पड़ेगा। आप हुकूमती अमूर की तरफ तवज्जो जितनी मर्जी दें, लेकिन अगर आप इन हमलों को नहीं रोकेंगे तो लोग आपको लाइट लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के जो लोग हैं, देखें जो यहाँ से जाने के बाद अब उन्होंने अपना ट्रैक बदल दिया है। अब बजाय, अब उन्हें समझ आई कि हम ख्वाह मखा 20 साल से वहाँ मौजूद थे, हमें इस तरह के दो तीन धड़ों को इकट्ठा करके उन्हें फंडिंग करनी थी और वो लड़ते रहते, हमारा काम चलता रहता, तो अब वो इस पॉलिसी पर चल रहे हैं। लेकिन तालिबान को अब बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और इस पूरे ऑपरेशन के मसले में इन्हें कुछ लोगों के साथ मुफाहमत करना पड़ेगी, बाकी लोगों को उड़ाना पड़ेगा। तो ये खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहल में दाखिल होने लग जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक बात है, वो अफगानिस्तान के लोग हैं। वो बेचारे उस वक्त भी पिसते रहे, दरमियान में भी पिसते रहे। ये क्रिकेट मैच के दौरान तमाशाई आते हैं, आप इनकी शक्लें देखें, आप यकीन करें आपका दिल जो है ना टूट जाता है इनको देख के। बेचारे लगता है कितनी महरूमी और कितनी परेशानी से गुजरे। अल्लाह ताला इन पर भी रहम करे और पूरी दुनिया पर करे, अपना खास मुसलमानों पर अपना खास करम फजल करे, बाकी लोगों को भी जो परेशान तकलीफ़ों में, सब तकलीफ़ों को दूर करे। अगली वीडियो तक के मुझे इजाज़त दें, अपना खास ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।